सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिस्क के ऊपर TI फिल्टर वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और साथ ही दो दो यहाँ पे TI भी लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। और पीछे वाला जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो वह है वोडाफोन का डिवाइसेस, उसके टावर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डिस्क के जो फाउंडेशन वगैरह हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एज लाइक हमारा है। और ये देखिए TI वगैरह लगा हुआ है। अगर TI नहीं लगा है तो इस केस में भी फ्रीजिंग अभी के टाइम पे आ सकता है। और ये सामने जो डिवाइस लगे हैं उस डिवाइस की वजह से भी, इस डिवाइस की वजह से भी पेरिफेरल आ रहा है, TI आ रहा है, तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे होंगे आपको। और साथ ही अगर इधर भी आप देखेंगे KU बैंड वाले, तो KU बैंड में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। आप टाटा स्काई वाले आंटी सामने वाले मेरे को दो बार बोल चुकी है, भाई बेटा आ नहीं रहा है। मैंने बोला आंटी अब टाटा स्काई लगाओगे तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें होती है गाइस। ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और TI वगैरह आप देखेंगे तो फ्रीजिंग वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।